ये समझता हूँ अगर मैं एशेज का कोई मैच कर रहा हूँ वो मेरे लिए इतना टफ नहीं होता जितना लोकल मैच आप कर रहे हो, तो ज़्यादा प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन होती हैं फिर, लेकिन वही होती है कि आप जॉब को ऑनेस्टी के साथ करेंगे। दूसरे ममालिक के मुकाबले में अपनी और हरीफ टीम के दरमियान अंपायरिंग करना मुश्किल जरूर है, मगर अलीम डार को ये जिम्मेदारी तो अब संभालनी ही पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोर का जोड़ पड़ने वाला है। आलमी रिकॉर्ड होल्डर अलीम डार पहली बार कराची में पाकिस्तानी सरजमीन पर अंपायरिंग करेंगे। उन्होंने 2003 में ढाका में बतौर टेस्ट अंपायर कैरियर का आगाज किया था। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल अलीम डार 2003 से लेकर अब तक 132 टेस्ट मैचेस में अंपायरिंग कर चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के स्टीव बकनर के नाम था, जिन्होंने 128 मैचेस में अंपायरिंग कर रखी थी। गुज़श्ता साल नवम्बर में उन्होंने सबसे ज्यादा एक रोजा मैचेस में अंपायरिंग का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के रूडी कर्टिसन का रिकॉर्ड तोड़ा था। 210 वनडे इंटरनेशनल मैच करने पे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आईसीसी का, अपने दोस्तों का। बिल्कुल जी, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लाइफ में कुछ बने। अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में इतनी रिस्पेक्ट दी और इतनी अचीवमेंट्स मुझे मिली जिसका मैं सोच भी नहीं सकता। अलीम डार T20 का रिकॉर्ड भी अपने नाम करने के लिए पुरजोश हैं, मगर ये ताज तो पाकिस्तानी अंपायर एहसन रजा के सर सजा है, जिन्होंने 51 मैचेस में अंपायरिंग की है, जबकि अलीम डार 48 मैचेस में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अलीम डार क्रिकेट की दुनिया का जाना पहचाना और मोतबर नाम है। उन्होंने 2009 में पहली बार ICC के बेहतरीन अंपायर का अवार्ड जीता। वो खुद कुछ नहीं बोलते बल्कि उनके फैसले बोलते हैं। 2011 के आर्मी वर्ल्ड कप में उनके फैसलों ने धूम मचाई थी, जब 15 फैसलों पर रिव्यू लिया गया और टेक्नोलॉजी ने तमाम फैसले दुरुस्त करार दिए थे, जिसके बाद खिलाड़ी सोच समझकर उनके फैसले चैलेंज करते हैं।